नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक लोको नॉलेज में। आज हम आपको इस वीडियो में कन्वेंशन लोको के BL बॉक्स में लगे सभी स्विचेस के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे कि किस स्विच से क्या ऑपरेशन होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे हर वीडियो में हम ये कोशिश करते हैं कि आपको प्रैक्टिकली उस चीज़ की जानकारी दी जाए जिस चीज़ के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले आप ये जो देख रहे हैं ये है BL बॉक्स, कन्वेंशन लोको का BL बॉक्स। यहाँ पे ये BL सॉकेट है, यहाँ BL की लगती है। इसकी दो पोजीशन है, लॉक और अनलॉक्ड। अब ये लॉक कंडीशन में है। और ये ऊपर की तरफ जितने भी स्विचेस आप देख रहे हैं ये HV सर्किट के स्विचेस हैं। HV सर्किट मतलब हाई वोल्टेज सर्किट के स्विचेस हैं। और ये नीचे की तरफ जो देख रहे हैं आप ये LV सर्किट, लो वोल्टेज सर्किट के स्विचेस हैं या कंट्रोल सर्किट के स्विचेस हैं। अभी ये ऊपर की तरफ वाले जितने भी स्विचेस हैं ये BL की जब तक हम यहाँ लगाकर इसको अनलॉक नहीं करेंगे ये ऑपरेट नहीं कर सकते हैं हम। ये लॉक ही रहेंगे जब तक हम BL की लगाकर इसको यहाँ से अनलॉक नहीं करेंगे। और नीचे की तरफ वाले स्विच फ्री रहते हैं, ये BL की लगा रहे या नहीं लगा रहे उससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऑपरेट हो सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे BL की लगाने के बाद ही वो चीज़ें चलेंगी। तो चलिए हम यहाँ पे BL की लगाते हैं। देखिए BL की को इस तरह से लगाकर, ये इस तरह से लगाकर ये ऑन करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे सारे स्विचेस फ्री हो गए हैं। अब यहाँ पे ये सबसे पहला जो स्विच है BL DJ स्विच है, VCB ऑन और ऑफ के काम आता है। इस स्विच को ऑन करेंगे और उसके पास VLR DJ स्विच है, ठीक है। सर्किट ब्रेकर रिसेट मतलब ये एक स्प्रिंग लोडेड स्विच है, इसको ऑन करके छोड़ने पर आपका VCB क्लोज हो जाता है और ये स्विच ऑन रहेगा तो इस स्विच के थ्रू VCB मेंटेन रहेगा। और अगर हमको VCB ओपन करना हो तो स्विच को ऑफ करेंगे तो VCB ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये जो स्विच है ये मल्टीपल लोको के समय ये स्विच काम आते हैं। अगर मल्टीपल लोको है आपका तो इस स्विच को ऑफ करेंगे तो पीछे वाले में पेंटो रेज नहीं होगा, और इस स्विच को ऑन रखेंगे तो पीछे वाला लोको में पेंटो रेज होगा और वो काम करेगा। ये एक स्पेयर स्विच है, इसके पास ये BLCP मतलब मेन कंप्रेसर ऑटोमेटिक का स्विच है। इस स्विच को ऑन रखेंगे तो कंप्रेसर 8 से 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच अपने आप कट इन कट आउट होता रहेगा। अगर किसी कारणवश इसमें खराबी आ जाती है तो हम कंप्रेसर BLCPD स्विच, ये BLCPD स्विच के द्वारा कंप्रेसर डायरेक्ट चला सकते हैं। इस BLCPD को ऑन करके कंप्रेसर डायरेक्ट चला सकते हैं, लेकिन इसमें हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हमको कंप्रेसर को ऑन ऑफ करना पड़ेगा। BLVMT स्विच ब्लोअर के लिए ये स्विच है। ब्लोअर मतलब MVRH, MVMT 1, MVMT 2 को ऑन करने के लिए स्विच को ऑन करना पड़ता है जब भी वो तीनों ब्लोअर चलेंगे, या फिर किसी कारणवश अगर ड्राइवर इस स्विच को ऑन करना भूल गया है और उसने लोको में एक नोच ले ली है तो भी वो तीनों ब्लोअर चालू हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे की तरफ BLRA कैब हीटर के लिए स्विच लगा है। ठंडी के समय कैब को गर्म करने के लिए कैब में हीटर लगाए जाते हैं जिसको चलाने के लिए स्विच को ऑन करना होता है। स्विच को ऑन करेंगे तो कैब हीटर चलेंगे। ये यहाँ पे एक ये एडिशनल BLRDJ स्विच दिया है, अगर ये स्विच खराब हो जाए तो इससे भी ऑपरेट करके डीजे क्लोज किया जाता है। BLZLF मार्कर लाइट रेड मतलब फ्रंट की तरफ जो दो मार्कर लाइट लगी होती है एक वाइट और एक रेड, तो रेड मार्कर लाइट को ऑन करने के लिए ये स्विच है। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, रेड मार्कर लाइट जब ही चालू होगी जब ये BLLF स्विच ऑन रहेगा। आगे हम इस स्विच के बारे में भी जानकारी देंगे आपको। उसके बाद BLLM मतलब
कंपार्टमेंट लाइट मतलब मशीन रूम लाइट चलाने के लिए ये स्विच है। उसके बाद BLPRR हेडलाइट रियर मतलब रियर की कैब की हेडलाइट जलाने के लिए ये स्विच दिया हुआ है। उसके बाद BLPRF हेडलाइट फ्रंट हेडलाइट जलाने के लिए ये स्विच दिया हुआ है। और BLPRD मतलब हेडलाइट को डीम करने के लिए ये स्विच लगाया हुआ है। और अंत में ये स्विच के बारे में आपको बताते हैं, BLLF मतलब ड्राइविंग डेस्क पे जो भी प्रेशर गेज और मीटर लगे होते हैं, ये प्रेशर गेज और ये मीटर लगे होते हैं, इस स्विच को ऑन करने पे इनमें लाइट आ जाती है, देख सकते हैं आप, और साथ ही व्हाइट मार्कर लाइट भी चालू हो जाती है।